नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पिछला एक महीना भारतीय क्रिकेट के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा। टी20 विश्व कप से भारत पहले ही दौर से बाहर हो गया। 5 मैचों में 3 मुकाबलों में जीत मिली तो पहले 2 बड़े मुकाबलों में भारत को हार मिली। इस दौरान विराट कोहली आखिरी बार टी20 कप्तान के रूप में टीम इंडिया के साथ जुड़े हुए थे और नामीबिया के खिलाफ उनकी कप्तानी का अंत भी हो गया। अब ऐसे में 17 नवंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत सीरीज खेलने के लिए उतरेगा, जहां पर 3 T20 मैच और 2 टेस्ट मुकाबले खेले जाएंगे। फिलहाल लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत का अगला कप्तान कौन हो सकता है, कौन टी20 की कमान संभालेगा। केएल राहुल, रोहित शर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है, वहीं उपकप्तान के तौर पर ऋषभ पंत का नाम और जसप्रीत बुमराह का नाम भी चल रहा है। लेकिन इस बीच खबर ये आई है कि रोहित शर्मा भारतीय टीम के टेस्ट कप्तान भी होंगे और वो कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। अब आप चौंक गए होंगे कि आखिर ये कैसे संभव होगा। तो दरअसल विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में रेस्ट लेना चाहते हैं और हो सकता है कि वो पहला टेस्ट कानपुर में खेलते हुए ना दिखाई दे। दूसरे टेस्ट मुंबई में जो होना है वहां पर विराट कोहली वापसी कर सकते हैं, क्योंकि विराट कोहली पिछले लंबे समय से बायो बबल में है और काफी थक चुके हैं। ऐसा विश्व कप में भी उन्होंने कहा था कि बायो बबल की थकान हमारे दिमाग पर हावी है, इसी वजह से प्रदर्शन में थोड़ा गिरावट आई है। विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में टी20 में भी रेस्ट लेना चाहते हैं और पहले टेस्ट के दौरान भी वो रेस्ट पर ही रहना चाहते हैं। ऐसे में रोहित शर्मा टेस्ट टीम की कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि उपकप्तान अजिंक्य रहाणे को भी कप्तानी दी जा सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने विराट कोहली के अनुपस्थिति में बेहद ही शानदार कप्तानी की थी। अब देखना होगा कि बीसीसीआई टी20 के नए कप्तान के तौर पर किसे नियुक्त करता है और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में कौन कप्तानी करते हुए नजर आता है। ये सब बातें भविष्य के गर्त में छिपी हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या रोहित शर्मा टेस्ट में अगर कप्तानी करते हैं तो सफल हो पाएंगे या नहीं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए।